सेक्शन एंड देन वी मूव अहेड ओके सेक्शन 141 था क्वालिफिकेशन एंड डिस्कालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर फॉर क्वालिफिकेशन सबसेक्शन थ्री एंड फोर था डिस्कालिफिकेशन हुआ टू बिकम अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी चार्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्ड अकाउंटेंस एक्ट 1949 फोर्टी नाइन चार्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्ड अकाउंटेंस एक्ट 1949 और चार्ड अकाउंटेंस एक्ट 1949 बोल रहा है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ओके इफ फर्म अगर फर्म को अपॉइंट करना है तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर मीन मेजोरिटी पार्टनर्स शुड बी चार्डर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी इफ फर्म इज अपॉइंटेड ओनली पार्टनर्स हुउंटेंट आर ऑथोराइज टू एक्ट एंड साइन ओके उसके बाद वी वेंट ऑन टू डिस्कालीफिकेशन 141 फोर्टी सबसेक्शन थ्री बहुत सारे क्लॉजेस थे ए बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एन एलएलपी, ऑल बॉडी कॉर्पोरेट आर डिसक्न एन एल एल पी एल इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन उसके बाद बी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑफिसर और एम्प्लॉय डिस्कालीफाइड ओनली फॉर दैट कंपनी नॉट द ग्रुप कंपनीज़ यू कैन कीप योर बुक्स ओपन ताकि आप बराबर से याद रख सको विल बी एबल टू विजुअलाइज मोर बेटर कीप ऑलवेज़ योर बुक्स ओपन इन रिविजन सी पॉइंट पार्टनर और एम्प्लॉय पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी डी पॉइंट यू योर रिलेटिव और योर पार्टनर टिव यूर पार्टनर शुड नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी और इट्स ग्रुप रिलेटिव कैन होल्ड अप टू अ फेस वैल्यू रुपीज वन लैख अगर रिलेटिव का होल्डिंग वन लैख से बढ़ गया सिक्सटी डेज आर गिवन फॉर करेक्टिव एक्शन यू कैन नॉट होल्ड अ सिंगल रूपी आपका पार्टनर कैन नॉट होल्ड अ सिंगल रूपी रिलेटिव अप टू अ फेस वैल्यू वन लैख सिमिलरली सेकेंड पॉइंट अंडर डी ओनली You, your relative, or your partner should not be indebted to the company or group for amount exceeding rupees 5 lakh. Third point DK Andari, you, your relative, or your partner should not have given a guarantee or provided security to the company for the debt of third person for amount exceeding rupees 1 lakh. Fifth one. If a person or a firm who directly or indirectly has business relationship with the company or group are disqualified, but uh, business relationship includes what? Any transaction entered of commercial nature except child accountant providing services of professional nature which are permitted and in certain classes of industry.

सब्सिडरीज़ ऑफ सेम होल्डिंग इज नॉट रिटर्न उनको सर्विसेज़ दे पाएंगे एंड वन फोर्टी वन सबसेक्शन फोर वन फोर्टी वन सबसेक्शन फोर इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर बिकम्स लेटर डिस्कॉलीफाइड अंडर सेक्शन वन सबसेक्शन थ्री इज डीम्ड टू हैज एंड ऑडिटर लेटर अपॉइंट होने के बाद बाद में डिस्कालीफाइड हुए डीम्ड टू है प्लेस ऑफ ऑफिस एज एन ऑडिटर okay this is what we had done yesterday hope you are all clear about it doubts are have already number hai where to ask the doubts let us move ahead we go to section 144 we go to section 144 Ajao section 144 page number 10.9 pen pencil without forgetting and your water bottle two things mandatory to sit in a theory class Section 144, page number is 10.9. Okay, now section 144. Section 144 is about auditor not to render certain services. अगर आप ऑडिटर हो तो यू विल नॉट रेंडर द फॉलोइंग सर्विसेज टू यू विल नॉट रेंडर द फॉलोइंग सर्विसेज टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग अगर आप ऑडिटर हो तो यू विल नॉट रेंडर द फॉलोइंग सर्विसेज टू द कंपनी इट्स जहाँ पे आप ऑडिटर हो या उनकी सब्सिडरी या उनका होल्डिंग सर कौन सी सर्विसेस कौन सी सर्विसेज तो यू शुड नॉट रेंडर द फॉलोइंग सर्विसेज वर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाद में आ रहा हूं कम टू द वर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आफ्टरवर्ड्स, विच सर्विसेज यू शुड नॉट प्रोवाइड नाउ एक्ट के अंदर सिर्फ नाम लिखा है एक्ट के अंदर सर्विसेज के सिर्फ नाम लिखा है आईसीआई बुक में भी देव एनी बाइफर्शन और देव एनी डिटेल्स आई एल एक्सप्लेन वॉट इज द मीनिंग ऑफ दट वर्ड बेस्ड ऑन वजुरल मीनिंग कमिंग आउट ऑफ इट ओके तो कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर सकते अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग यार जस्ट इमेजिन आपने ही अकाउंट्स लिखे आपने ही अकाउंट्स लिखे यार हाउ कैन यू बी ऑडिटर मेकर कैन नॉट बी द चेकर अ रूल मेकर कैन नॉट बी द चेकर आप ही ने अगर वो कंपनी के अकाउंट्स लिखे हैं यू कैन नॉट बी द ऑडिटर आप क्या चेक करोगे खुद का ही काम दैट्स नॉट अलाउड मेकर कैन नॉट बी द चेकर इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट राइट मेकर कैन नॉट बी चेकर सेकेंड इंटरनल ऑडिट ना वॉट इज दिस इंटरनल ऑडिट वीचे लिख लो यू हैव सम्पेस नीचे लिख लो यू हैव सम्पेस जब भी ऐसा कोई लिखो तो यहां पर स्टार बनाओ नीचे भी स्टार यू नंडरस्टैंड आपने इसके लिए पॉइंट लिखा है तो वट इज इंटरनल ऑडिट राइट डाउन आई एम डिक्टेटिंग internal audit is an audit internal audit is an audit conducted on behalf of management internal audit is an audit conducted on behalf of management which helps the management it's an audit conducted on behalf of management which helps the management fulfill their objectives. Which helps the management fulfill their T H E I R. Which helps the management fulfill their objectives or responsibilities. Which helps the management fulfill their objectives or responsibilities. Okay, now. सर क्या है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सी मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फिनशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ द एसेट हमने देखा था चैप्टर वन में मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स विच आर रीजनेबल बहुत सारी चीजें यार सी किसको टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मैनेजमेंट हु इज टू हुर दर सेफ गार्डेड जो भी कंपनी में एसेट्स है वो कोई चोरी नहीं कर रहा है मैनेजमेंट क्या ऑडिटर जाएगा रोज रोज देखने नहीं दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर विल कम एंड चेक कि उन्होंने वो फिनेशियल्स प्रॉपरली बनाए हैं कि नहीं ऑल दैट थिंग्स तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ एन ऑडिट कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट फुलफिल देर ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इंटरनल ऑडिटर वर्कस फॉर द मैनेजमेंट

कंपनी ने बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो की है टू एंश्योर फ्रॉड्स एंड एरर्स ना हो टू एंश्योर एसेट्स सेव गार्ड हो सीसीटीवी लगाना वाई डू यू पुट सीसी टीवी कैमरा सो दैट कोई चोरी नहीं करे तो दे आर जस्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सेटअप बाय द मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा कंट्रोल्स को डिटेल में एंड देन ही विल गिव सजेशंस टू मैनेजमेंट टू इंप्रूव द कंट्रोल्स सिंपल वर्ड में इंटरनल ऑडिटर वर्क्स फॉर द मैनेजमेंट मी अगर आप मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो हाउ कैन यू वर्क इंडिपेंडेंटली एक जगह मैं उनके लिए काम करता हूँ एक जगह इसे मैं इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ नॉट पॉसिबल इसीलिए इफ यू आर अ इंटरनल ऑडिटर यू कैन नॉट बी द स्टैचुटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी अगर इंटरनल ऑडिटर हो आप कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते सर इफ आई एम अटैचुटरी ऑडिटर कैन आई बी ऑल्सो टैक्स ऑडिटर या कंपनी ऑडिटर के साथ टैक्स ऑडिटर हो सकते हो कंपनीज एक्ट वाला ऑडिट इनकम टैक्स वाला ऑडिट दोनों में इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए इंटरनल ऑडिटर वर्क फॉर मैनेजमेंट ही कॉन्ट वर्क इंडिपेंडेंटली। तो वाई इंटरनल ऑडिट इज नॉट अलाउड एज ही वर्कस फॉर मैनेजमेंट एज इंटरनल ऑडिटर वर्क्स फॉर मैनेजमेंट तो आप इंडिपेंडेंटली स्टैच्यूटरी ऑडिट नहीं कर पाओगे तो इफ़ यू आर अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर यू शुड नॉट बी अ इंटरनल ऑडिटर और अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो तो यू शुड नॉट बी अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर थर्ड डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम अब यह वर्ड आया फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यह क्या है राइट डाउन financial information system just write down write from transaction initiated write from transaction initiated to how it is reported in financial statement वो एंटायर प्रोसेस राइट फ्रॉम ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड टू हाउ इट इज रिपोर्टेड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट वो एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इमेजिन सिंपल सी डोंट गो फॉर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स ट्राई टू टेक सिंपल इमेजिन आपने कॉमर्स लिया आपका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था उसने साइंस लिया तो आप सी बने वो डॉक्टर बन गया अब सीए बने वो डॉक्टर बन गया ना वो ही स्टार्टिंग ओन प्रैक्टिस वो भी अपना खुद का हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहा है ही नो अकाउंट्स अकाउंट्स एंड ऑल दैट तो बनाना पड़ेगा उनको भी तो ही नो अकाउंट्स एंड ऑल दैट तो आपने उनकी पूरी सिस्टम डिजाइन की कि भाई पेशेंट आए तो ये फॉर्म भरवाओ बिलिंग ऐसे करोगे ये स्टॉक रजिस्टर आपको ऐसे रखना है तो यू हैव डिजाइन द एंटायर सिस्टम आपका फ्रेंड डॉक्टर बन गया डॉक्टर बनने के बाद स्टार्ट इज ओन प्रैक्टिस कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखू कैसे कैसे अकाउंटिंग करूं आप ही ने उनका पूरा सिस्टम डिजाइन किया है इफ यू हैव डिजाइन द सिस्टम यू कैन नॉट बी द ऑडिटर अगेन मेकर कैन नॉट बी द चेकर अदरवाइज होगा क्या आपने कोई सिस्टम डिजाइन की वहां पे अगर कुछ गलती रह गई तो अगर आपको उनको बोलना यार ये गलत है अगर वहां पे कुछ गलती रह गई आपको उनको बोलना ये गलत है तो वो क्या बोलेगा यार तूने तो बोला था यू ओनली टोल्ड मी दैट्स वाई अगर आपने उनकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन की है इम्प्लीमेंट की है यू कैन नॉट बी दिटर दबाउट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट वन एक्चूरियल सर्विसेस एक्चूरियल सर्विसेस नाम सुना होगा एक्चुरी ना प्रोविजन फॉर ग्रैचुटी जो कंपनी करती है एवरी कंपनी ग्रेचुअटी आप पे करते हो वेन एम्प्लॉय रिटायर्स बट वो खर्चा नहीं है लास्ट ईयर का वो खर्चा है ओवर द लाइफ ऑफ सर्विस वो रिटायर होगा तब हम पे करेंगे बट वील बुक इट एज एक्सपेंस ओवर द लाइफ अब एज पर एस फिफ्टीन पे पर एस फिफ्टीन प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुरी एस फिफ्टीन प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी शुड बी बेस्ड ऑन

तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी इज डन बाय एक्चुरी वो एक्चुरी से सर्टिफिकेट लेना है इमेजिन अगर आप एक्चुरी हो ना सर मैं तो सी हूं इमेजिन आपकी फर्म है से दर इज अ फर्म ए बी सी एंड कंपनी चार्ट अकाउंटेंट्स ए बी सी एंड कंपनी चार्ट अकाउंटेंट्स ए एन बी आर चार्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओ पी एन बी है प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी कितना करे प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी कितना करे उसके लिए सी ने सर्टिफिकेट दिया है कहना से हमारे पार्टनर ने तो कंपनी को कितना प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी करना चाहिए सी ने सर्टिफिकेट दिया हमारे पार्टनर ने नाव एज अ ऑडिटर वी गो एन चेक अब मेरे को बताओ सर्टिफिकेट हमारे पार्टनर ने ही दिया है तो वी आर गोइंग एंड चेकिंग वॉट अवर वर्क तो अगर आपके पार्टनर ने ही प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी के लिए सर्टिफिकेट दिया आप वहां पे ऑडिटर नहीं बन सकते इफ यू आर प्रोवाइडिंग एक्चुअल सर्विसेज यू कैन नॉट बी ऑडिटर रीजन प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी मैनेजमेंट ने किया एज पर एक्चुअली सर्टिफिकेट ऑडिटर विल कम एंड चेक किसका काम चेक कर रहा हूं खुद का ही दैट्स वाई इट इज नॉट अलाउड Next, Investment Advisory Service. It's not actually, it's actuary. OK. Next, Investment Advisory Service, Investment Banking Service. Investment Advisory, Investment Banking, what is Investment Advisory is advising on where to invest. Advising on where to invest. Investment banking advising on how to raise money investing investment ad, banking is advising on how to raise money should you go for a loan? should you go for IPO of shares? should you go for debentures Kikarnachi the investment advisory is advising on where to invest investment banking is advising on how to raise money now see a BB. जब भी भी यू आर अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और मनी रेजिंग के एडवाइजर यू वर्क क्लोजली विथ मैनेजमेंट अगर आप मैनेजमेंट के साथ क्लोजली वर्क करोगे यू वोंट बी एबल टू डू योर ऑडिट इंडिपेंडेंटली थोड़ा इन्फ्लुएंस आ जाएगा एंड दैट्स यू आर नॉट अलाउड टू बी अ कंपनी ऑडिटर अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हो ये दो सर्विसेज में यूल वर्क वेरी क्लोजली विथ मैनेजमेंट दैट्स वाई आप क्लोज हो जाओगे मैनेजमेंट के साथ इंडिपेंडेंस विल बी अफेक्टेड रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फिनेंशियल सर्विसेज़, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फिनेंशियल सर्विसेज़, बहुत सारी कंपनी फिनेंस रिलेटेड वर्क आउटसोर्स करती है आई टेल यू आई हैव सीन अ कंपनी, आई हैव सीन अ कंपनी जो लोग सिर्फ प्रोडक्शन एंड सेल्स पे फोकस करना चाहते हैं इवन इन वीपरेशन इज आउटसोर्स टू सम अकाउंटेंट दर इज अ कंपनी अरविंद लिमिटेड इट्स अ लिस्टेड कंपनी ऑफ माइ फ्रेंड इज ऑडिटर ऑफर बी आर एस प्रिपरेशन बी आर एस प्रिपरेशन का वर्क उन्होंने आउटसोर्स किया वेंडर पेमेंट वेंडर को पेमेंट के पहले टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए अगर नहीं किया इनकम टैक्स में डिसला होगा तो वेंडर पेमेंट का वर्क इज आउटसोर्स टू अ चार्ट अकाउंटेंट अप्रोप्रिएट वो टी डी एस डिडक्ट करेगा फिर ही पेमेंट करते हैं तो वेंडर पेमेंट का प्रोसेसिंग इज आउटसोर्स या फिर बी आर एस प्रिपरेशन इज आउटसोस्ट या पूरा अकाउंटिंग इज आउटसोस्ट या इन्वाइस बनाना कलेक्शन फ्राम डेटर बहुत सारी चीज़ें आउट सोस्ट इफ़ एनी थिंग रिलेटेड टू फिनेस इट्स रिलेटेड टू फिनेस फिनेशियल सर्विसेज वी डोंट टॉक अबाउट ऑपरेशन अगर फिनेंशियल सर्विसेज हम लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं उनका बी आर एस हम बनाते हैं या उनके बिल्स हम बनाते हैं उनका वेंडर पेमेंट का प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं वी कैन नॉट बी द ऑडिटर अगेन आप क्या चेक करोगे खुद का ही काम तो इफ यू आर रेंडरिंग आउटसोर्स फिनेंशियल सर्विसेज यू कैन नॉट बी द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग मैनेजमेंट सर ये क्या है मैनेजमेंट सर्विसेस एनी सर्विसेज विच हेल्प द मैनेजमेंट और सिंपल वर्ड में हेल्पिंग मैनेजमेंट इन ऑपरेशनल एरियाज

एंड वो लोग जब भी ए सी बेचते थे फ्रॉम फैक्ट्री ए सी जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास एंड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर दे आर सोल्ड टू कस्टमर्स तो फ्रॉम फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूटर्स और द डीलर्स एंड डीलर्स के पास वो जाएगा फिर वहां से कस्टमर के पास फैक्ट्री टू डीलर्स इट वॉज गोइंग बाय हायर ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री टू डीलर्स वो एक ट्रक में जाता था जो हम रेंट पे लेते थे हायर ट्रांसपोर्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा शुड वी बाय आवर ओन ट्रक्स क्वेश्चन शुड बी बाईर ओन ट्रक्स एंड हमें पूरा एक रिपोर्ट बनाना था वीड टू मेक अ फुल रिपोर्ट वेदर बाइंग अ ट्रक इज बेनिफिशियलिंग हायर ट्रांसपोर्ट इज ओनली बेनिफिशियल तो दिस इज हेल्पिंग मैनेजमेंट इन ऑपरेशनल एरियाज यार आपने कॉस्टिंग बढ़ा है प्रोसेस कॉस्टिंग इेलिवेंट प्रोसेस रिमूव करने के लिए आप हेल्प करो वो सारा हेल्पिंग मैनेजमेंट इन ऑपरेशनल एरियाज एंड लास्ट एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब आज तक कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब टिल टूडे नथिंग इज प्रिस्क्राइब ओके तो अगर आप ऑडिटर हो यू शुड नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू शुड नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी सर कौन सी सर्विसेज Accounting and bookkeeping, internal audit, designing and implementation of financial information system, actuarial services, investment advisory, investment banking, management services, rendering of outsourced financial services, any other service as may be prescribed. Now, old act me, asakuchinaita. ओल्ड एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था ओल्ड एक्ट में यू आर अलाउड टू बी ऑडिटर एंड गिव सच सर्विस भी बन सकते थे और ऐसी सर्विसेज भी दे सकते थे लेकिन न्यू एक्ट आया बोला नहीं 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 इधर ऑडिटर और दिस सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहे हो तो एक साल में डिसाइड करो अगर दोनों प्रोवाइड कर रहे थे पहले तो न्यू एक्ट आने के बाद एक साल में डिसाइड करो क्या आपको ऑडिट कंटिन्यू करना है या अदर सर्विसेज कंटिन्यू करनी है तो फ द ऑडिटर हुज बीन परफॉर्मिंग एनी नॉन एश्योरेंस ऑडिट सर्विसेस और नॉन ऑडिट सर्विसेस ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बिफोर क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर न्यू एक्ट आने के बाद पहला ईयर खत्म हो उसके पहले डिसाइड कर लो या तो ऑडिट कंटिन्यू करो या तो ये अदर सर्विसेज कंटिन्यू करो यू कैन नॉट डू बोथ एस पर न्यू एक्ट ना वर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ना वर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या बोला था यू शुड नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई जस्ट राइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली means you should not provide a service may provide Karchi your firm should not provide your partner should not provide your relative should not provide you should not provide your partner should not provide your firm should not provide your relative should not provide your network your network or associated your network or associated firm or company should not provide नेटवर्क और एसोसिएटेड फर्म और कंपनी शुड नॉट प्रोवाइड नाउ नेटवर्क फर्म क्या होता है हु आर ऑपरेटिंग अंडर कॉमन ब्रांड नेम ऑपरेटिंग अंडर कॉमन ब्रांड नेम फॉर एग्जाम्पल डेलॉइट बॉम्बे डेलॉइट हैदराबाद डेलॉइट बैगलोर ये सारी डिफरेंट फर्म्स है

Chartered accountant can form a company for the purpose of providing consultancy. This is nothing but company created. Company created for providing consultancy. इफ योर फर्म इज अडिटर जो आपने कंपनी क्रिएट की थी फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी दे केन नॉट प्रोवाइड दिस सर्विसेस दे केन नॉट दिस प्रोवाइड दिस सर्विस किस को टू द कंपनी और टू द होल्डिंग कंपनी और टू इट्स सब्सिडरी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू शुड नॉट प्रोवाइड द सर्विस कवर्ड अंडर वन फोर्टी फोर वी वॉन्ट यू टू वर्क इंडिपेंडेंटली वी वॉन्ट दैट अगर आप ही ने बनाया है यू शुड नॉट बी द चेकर तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स आप यू शुड नॉट प्रोवाइड योर रिलेटिव शुड नॉट प्रोवाइड योर पार्टनर शुड नॉट प्रोवाइड योर फर्म शुड नॉट प्रोवाइड योर नेटवर्क फर्म और एसोशिएट फर्म और कंपनी नेटवर्क फर्म एसोसिएट या नेटवर्क फॉर नेटवर्क कंपनी या एसोसिएटेड कंपनी जो आपने क्रिएट की थी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी दे कैन नॉट प्रोवाइड दिस सर्विसेज दे कैन नॉट प्रोवाइड दिस सर्विसेज आई होप यू आर क्लियर किसको किसको वी शुड नॉट प्रोवाइड टू द मेन कंपनी और इट्स सबसिडरी और इट्स एसोसिएट कैन वी प्रोवाइड द सर्विसेज सॉरी टू द मेन कंपनी और इट्स इट्सिडरी और इट्स होल्डिंग कैन वी प्रोवाइड द सर्विसेज टू देयर एसोसिएट कंपनी यस कैन वी प्रोवाइड द सर्विसेज टू देयर अदर सबसिडरीज ऑफ सेम होल्डिंग यस वी शुड नॉट प्रोवाइड टू द मेन कंपनी और इट्स सबसिडरी और इट्स होल्डिंग ज योर सेक्शन वन फोर्टी फोर ओके कमिंग बैक वही चीजें लिखी है यू कैन जस्ट रीड इट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स तो मैंने जो कंपनी फॉर्म की थी फॉर गिविंग कंसल्टेंसी दे कैन नॉट ऑल्सो गिव दर्विस टू द कंपनी ऑर इट्स होल्डिंग कंपनी ऑर इट्सिडरी नाउ कैन ए स्टैच्यूटरी ऑडिटर एक्ट can a statutory auditor act for the same company? can a statutory auditor act for the same company as internal auditor? if you're a statutory auditor, can you also be an internal auditor for the same company? answer is no. if you give internal audit services, you cannot be the statutory auditor. can a statutory auditor act as tax auditor for the same company? yes. both are independent can a statutory auditor act as consultant for services other than 144 can a statutory auditor act as consultant for a services other than 144 yes you are not allowed to give services 144 wali other than 144 allowed and can you act as liquidator for the same company can you act as liquidator for same company now see what does liquidator do वॉट डज लिक्विडेटर डू वो एसेट को सेल ऑफ करेगा विद दैट मनी ही विल पे द लाइबिलिटीज कैन आई सी वर्क लाइक द मैनेजमेंट अगर कंपनी लिक्विडेट नहीं होती कौन एसेट सेल करता है मैनेजमेंट तो लिक्विडेटर वर्क एज अ मैनेजमेंट नाउ इफ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजमेंट यू कैन नॉट बी ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी हाँ एक कंपनी में ऑडिटर कोई दूसरी कंपनी में लिक्विडेटर एक कंपनी में ऑडिटर दूसरी कंपनी में लिक्विडेटर फाइन बट सेम कंपनी में सेम कंपनी में कैन यू बी अ लिक्विडेटर आंसर विल बी नो फॉर सेम कंपनी आंसर इज नो यू आर अलाउड टू बिकम लिक्विडेटर आप लिक्विडेटर बन सकते हो बट एक कंपनी में ऑडिटर कोई दूसरी कंपनी में लिक्विडेटर दैट्स फाइन सेम कंपनी में नहीं सर मेन कंपनी में ऑडिटर सब्सिडरी में लिक्विडेटर नहीं फॉलोइंग सर्विस टू दब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी तो एक कंपनी में ऑडिटर दूसरी जो अनिलेटेड कंपनी है वहां पर आप लिक्विडेटर दैट्स फाइन तो रेग्यूलेशन वन नाइनटी वन ऑफ चार्ड अकाउंटेंट रेगुलशन अलाउस अट प्रैक्टिस टू बिकम A liquidator but he cannot act as liquidator and auditor of the same company at the same time you cannot be your an auditor and liquidator of same company at same time because jab we have liquidator ho you work like a management now you cannot be auditor okay question 27 question number 27 26th was important poshin is providing services of investment banking

Providing investment banking services, you cannot be the auditor of the same company or its holding or its subsidiary. Disqualified as per section 144. So answer full 144 explain. Full 144 explain karo In the current case, CA PoShin is already providing investment banking services. Next line, therefore, he cannot become an auditor of the company as per section 144.

आपके फादर मैनेजिंग डायरेक्टर दे अपॉइंटेड यू टैक्स कंसल्टेंट वैलिड नॉट वैलिड सी इफ योर फादर इज अ डायरेक्टर और के एम पी इफ योर फादर इज अ डायरेक्टर और के एम पी यू आर अ ऑडिटर यहां पर क्या अपॉइंट किया है टैक्स कंसल्टेंट इट्स वैलिड ही इज नॉट अपॉइंटेड एज ऑडिटर इज अपॉइंटेड एज अ टैक्स कंसल्टेंट आंसर इज वैलिड as he is appointed as only tax consultant not auditor he is appointed just as a tax consultant not the auditor so it's valid if your father is a इफ यू रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और अम पी आपू बी ऑडिटर दे आर नॉट ऑडिटर दे आर अपॉइंटिंग क्या एज अ टैक्स कंसल्टेंट दैटिड ओके दिस वॉज योर सेक्शन फोर तो हमने किया वन फोर्टी फोर अब जा रहे हैं

फर्स्ट ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर फॉर अल्पनी फर्स्ट ऑडिटर फॉर अवर्मेंट कंपनी नॉर्मल इट इज फर्स्ट ऑडिटर वन थर्टी सिक्स के अंदर एक ही चैप्टर में सेक्शन और कहीं नहीं आएंगे don't worry, pakka, you will be able to remember it. the first auditor, normal company, 139, subsection 6, and government company is 139, subsection 7. okay, first question. first question. Tell me, auditor works for whom? is auditor working for board of directors? the auditor is working for shareholders? is auditor working for board of directors? is auditor working for shareholders? सी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स हु आर नॉट टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स आर एक्चुअली द ओनर्स हु डोंट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज एक्चुअली डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोर्ड कुछ गलत कर रहा है इसके लिए ऑडिट इज मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट तो वी आर नॉट वर्किंग फॉर बी वी आर एक्चुअली वर्किंग फॉर शेयर होल्डर्स अगर हम लोग शेयर होल्डर्स के लिए वर्क करें तो हमें अपॉइंट भी कौन करना चाहिए

जस्ट टू अपॉइंट ऑडिटर जस्ट टू अपॉइंट ऑडिटर यार ईजीएम बुलाना इज नॉट कन्विंसिंग तो सिर्फ अपॉइंट करने के लिए ईजीएम बुलाए, स्पेशली नहीं यार, अदरवाइज ईजीएम बुलाने का खर्चा विल बी मोर देन ऑडिटर का फीस ईजीएम बुलाने का खर्चा रिमेंबर सबको नोटिस देना है ईजीएम जी बुलाओ फिर मीटिंग हो तो वो खर्चा विल बी मोर देन ऑडिट का फीस तो नॉर्मली ऑडिटर वर्क फॉर शेयर होल्डर अपॉइंट कौन करना चाहिए शेयर होल्डर बट प्रॉब्लम इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर बाद में आएगी अभी ऑडिटर चाहिए एंड स्पेशली जस्ट फॉर अपॉइंटिंग ऑडिटर ईजीएम नहीं बुला सकते इसीलिए पावर टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ओनली फर्स्ट पावर टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर इज गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर इज गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सी वर्ड the first auditor other than a government company a first auditor of other than a government company shall be appointed by bod it is appointed by board of directors within 30 days from registration of the company registration is nothing but incorporation registration is nothing but incorporation फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अदर दैन गवर्नमेंट कंपनी अदर दैन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन थर्टी डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टोल डू शेयर होल्डर की मीटिंग बहुत लेट आएगी वी नीड ऑडिटर एंड हा जस्ट टू अपॉइंट ऑडिटर वी कैंट कॉल ई जी एम इसलिए पावर गिवन टू बी ओडीफी फेल्स इफ बीओ फेलियर ऑफ बी ओडी देन दे इन्फॉर्म टू द मेम्बर्स If BOD fails, they will inform to the members. Kitne din may inform karna not written in act. In how many days to inform is not written in act. If they fail, they will inform. And then the shareholders, and then the shareholders will appoint. The members shall appoint within 90 days at a EGM.

Managing director himself wants to appoint, not valid. Q power is given to board of director, not individual managing director. See the word clearly, he himself. He himself wants to appoint that BOD. Board is a team. Board is a team of directors. It's not one director. Power is given to board of director, not individual managing director. Next question, 30. Next question, 30. White Star Limited was incorporated on. You are incorporated on one 2009 T who is related to chairman. T, who is related to chairman was appointed as auditor by bod incorporate first auditor bod in the meeting on 4-9 okay. appointed as auditor by bod on 4-9 now 1-8 say 30 days 1-8 say 30 days is 31-8 one, eight. one eight say 30 days is kind of 38 or 31-8 30 appoint 0-4-9 पॉइंट वो फोर नाइन को वैलिड नॉट वैलिड आंसर इज नॉट वैलिड नॉट वैलिड नाउ यहां पर एसप सेक्शन वन थर्टी नाइन सब सेक्शन सिक्स भी है एंड एंड एक और चीज टी हु इज रिलेटेड टू चेयरपर्सन टी हु इज रिलेटेड टू चेयरमैन एज्यूमिंग चेयरमैन टू बी अम पी एज्यूमिंग चेयरमैन टू बी अ डायरेक्टर और अ के एम पी तो अपॉइंटमेंट ऑफ टी इज अगेन नॉट वैलिड बिकॉज वो डिसक्वालिफाई हो जाएगा इफ यूर रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और अ के एम पी यू आर डिसक्वालिफाइड इफ यूर रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और के एम पी यू आर डिसक्फाइड ऑल्सो कौम एज्यूमिंग Chairman to be director or KMP. Comma appointment of Mr T is not valid as per section. 141 3 नंबर था। इफ योर रिलेटिव के एम डायरेक्टर और और डिसक्वालीफाइड क्लॉज एफ था तो यहाँ पे दो दो चीजें सर क्या दोनों लिखना है डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक ही लिख के आ जाएंगे फिर बोलेंगे सर पांच में से दो दिया पांच में से तीन दिया यू राइट बोथ द प्रोविजन को द क्वेश्चन देन कम टू योर कंक्लूजन राइट बोथ द प्रोविजन को द

Is the fundamental charter of the company, AOA rules for internal management. जबी भी कंपनी फॉर्म करो, you need MOA, you need AOA. जबी भी कंपनी फॉर्म करो, you need MOA, you need AOA. Now, MOA AOA कौन साइन करता है? Who signs MOA AOA? The first shareholders, the first subscribers of the company. So now आपने क्या किया? First auditor किसको बनाना? उसका नाम डाल दिया AOA में. फर्स्ट ऑडिटर किसको बनाना योर पुट इज नेम इन ए वैलिड नॉट वैलिड अच्छा है ना शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया वैलिड नॉट वैलिड नॉट वैलिड सी एक्ट ने बोला इट शुड बी अपॉइंटेड बाई बीओ विद इन थर्टी डेज बीओडी फेल हो तो शेयर होल्डर इन नेक्स्ट नाइन्टी डेज डोन्ट ट्राई टू फाइंड अ लूप होल और वे टू डू इट ऑन योर ओन जो एक्ट बोल रहा है वैसे करो डोंट ट्राई टू फाइंड अ वे कि भाई मैं अपनी तरह से कैसे कर सकता हूं तो आंसर इज नॉट वैलिट इट इज नॉट वैलिट एज पर सेक्शन वन थर्टी नाइन सब सेक्शन सिक्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू इज इंपॉर्टेंट दिस इज जस्ट अ स्टूडेंट के जनरल डाउट उसका क्वेश्चन है फर्स्ट ऑडिटर विल होल्ड ऑफिस

Your 1407 is year starts. I don't take zero seven, it's nineteen. One 4, 19, say your year starts. Thirty-first March 20 your year ends. Okay, after the year is over, financials are prepared. After the year is over, financials are prepared. Who approves the financial statement? who will approve the financial statement board of directors or shareholders who will approve the financial statement board of directors or shareholders socho financials are always approved by board of director financial statements are approved by board of director then agm mein present karte shareholder ko shareholder le leenge. Financials are always approved by board of director. AGMA they will present to shareholder. Shareholder will adopt. Shareholder will adopt. So say for example, 31st May 20, there's a BOD meeting uh, where financial statements approved. Where financial statements are approved.

Company is incorporated and imagine 20th 519, auditor is appointed by BOD. Just pay attention, then you write auditor appointed by BOD. Always pencil is better. Change karna hai kar sakte. Hota hai. Uta hai

ऑडिट क्या करेगा सी यू ऑडिट द फिनेंशियल स्टेटमेंट यू ऑडिट द फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट यू ऑडिट दल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट तो क्वेश्चन था अपॉइंटमेंट है 20 जून 2019 से 30 सॉरी 20 मई 2019 से 30 जून फर्स्ट मे से थर्टी फर्स्ट मार्च सर क्यों फर्स्ट मे कंपनी स्टार्ट हुई फर्स्ट मे को कंपनी स्टार्ट हुई फर्स्ट मे को तो ऑडिट करेंगे फर्स्ट मे से थर्टी फर्स्ट मार्च यू ऑडिट फिनेशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट तो क्वेश्चन क्या था अपॉइंटमेंट ए जी एम तक है क्या ऑडिट भी ए जी एम तक करोगे नहीं तो आंसर विल बी नो पहले आंसर लिख लो फिर ये एग्जाम्पल लिखना अगर एग्जाम्पल लिख, लिख लिया है तो चलेगा अगर एग्जाम्पल लिख, लिख लिया है तो चलेगा आंसर इज नो एंड राइट डाउन पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पीरियड ऑफ ऑडिट आर डिफरेंट period of appointment and period of audit are different <laughs> auditor is appointed to hold office auditor is appointed to hold office till the conclusion Till the conclusion of AGM. Jabtak AGM is ni ota he will be auditor. But he will audit the financial statements presented to shareholders during his period of appointment. ही विल ऑडिट द फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर ड्यूरिंग हिस पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट अब एग्जाम्पल में कौन से फिनेंशियल हम शेयर होल्डर को देंगे फर्स्ट मे से थर्टी फर्स्ट मार्च अपॉइंटमेंट है बीस मे से लेके थर्टी जून तक बट ऑडिट नहीं होगा थर्टी जून तक ऑडिट होगा टिल थर्टी फर्स्ट मार्च राइटर इन अब एग्जाम्पल इन अब एग्जाम्पल जो अब एग्जाम्पल है उसमें पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट कब अपॉइंट किया बीस मे दो हजार उन्नीस से थर्टी जून दो हजार बीस इज अ पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पीरियड ऑफ ऑडिट ऑडिट पीरियड ऑफ ऑडिट होगा फर्स्ट मे दो हजार उन्नीस से लेके

You audit the financial statement presented to shareholder during your period of appointment. Copy it. This is just a general query of student. wo question. फिनेंशियल्स अप्रूव कौन करता है बीओडी बीओडी मीटिंग में फिनेंशियल्स आर अप्रूव शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एजीएम में फिनेंशियल आर अडॉप्टेड दिस इज योर फर्स्ट ऑडिटर का प्रोविजन हम कर रहे हैं फॉर अमल कंपनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री आ गया जो मैंने आपको पूछा था फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई बी ओडी विद इन थर्टी डेज इफ बीओ फेल्स शेयर होल्डर डेज फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड विद इन थर्टी डेज इफ बी ओडी फेल शेयर होल्डर शेयर होल्डर ऑल्सो फेल्स टू अपॉइंट इन नेक्स्ट नाइनटी डेज नेक्स्ट नाइन्टी डेज में शेयर होल्डर भी फेल हो गए तो नाउ समुन से सर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा लिखा है कहीं पे जेन यूर रिटर्न पावर गोस टू सी नो तो शेयर होल्डर्स ओनली विल अपॉइंट बट एज दे आर अपॉइंटिंग लेट कंपनी विल हैव पेनल्टीज तो आंसर विल बी शेयर होल्डर्स ओनली विल अपॉइंट शेयर होल्डर्स ओनली विल अपॉइंट बट As they are appointing late, as they are appointing late, comma company will have penalties. तो so, अगर 90 days में appoint नहीं किया shareholder ने तो क्या power CG को जाएगा नहीं? ऐसा कहीं नहीं लिखा ये एक्ट में हाँ ओल्ड कंपनीज एक्ट में था शेयर होल्डर्स यहां पे कुछ नहीं है तो शेयर होल्डर्स ओनली विल अपॉइंट बट अपॉइंटिंग लेट कंपनी ओके दिस वॉज फॉर अ नॉर्मल कंपनी दिस वॉज फॉर अ नॉर्मल कंपनी अब आते हैं फर्स्ट ऑडिट फॉर गवर्नमेंट कंपनी वन थर्टी नाइन सबसेक्शन सेवन first auditor for a government company 139 subsection 7 what is a government company what is a government company the government company is a company in which not less than 51% of paid-up capital not less than 51% of paid-up capital 51 bichalega 51 or more not less than 51 percent of paid up capital is held by state government or central government or combinedly by state or central government or, or a company which is a subsidiary of government company a company which is a subsidiary of government company is also a government company a company which is a subsidiary of Government company is also a government company the government company means a company in which not less than 51 percent word is not less than don't write greater than 51 or more it's actually 51 or more it's 51% or more is held by is held by cg or sg or combinedly by cg or sg and includes a company which is a subsidiary of government company includes a company which is a subsidiary of government company pay attention i take one example a limited

इज अ गवर्मेंट कंपनी तो बी सब्सिडरी ऑफ ए इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड विच इज सबसिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी फाइन ना कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी बोर्ड नो यहां पर पावर इज गिवन टू सी ए जी कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉमट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सर ये क्या है कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ना एक्चुअली जैसे आपने वर्ड सुना है आई ऑफिसर आई ऑफिसर आई ऑफिसर तो सर वो बनने के लिए आई ए एस आई पी की एग्जाम है सिमिलरली देर इज आई डबल एस इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस आई क्या था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस

ओके ज आई डबल एस इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज उसमें अराउंड थर्टी थाउजेंड एम्प्लाइज आते हैं उसका हेड इज सी एजी सर इसमें कैसे जाते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन सेम वन तो आई एस बनना है आई पी एस बनना है आई डबल एस ऑफिसर बनना है सेम एग्जामिनेशन यूपीएससी ओके तो फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सी विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इफ सी फेल्स

फेलियर बाई बोट टू अपॉइंट दिल इनफॉर्म द मेम्बर्स हुईंट विद इन दिक्सटी डेज एट ईच ईयर सर सिक्सटी डेज कब से वो थर्टी डेज जो बी ओ डी को दिए थे ना वो खत्म होने के बाद थर्टी डेज जो बी ओ डी को दिए उन्होंने अपॉइंट नहीं किया फिर वो इन्फॉर्म करेंगे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे वो सब चीजें सिक्सटी डेज में वो सब चीज़ें सिक्सटी डेज में एंड द फर्स्ट ऑडिट विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एज ईयर फर्स्ट ऑडिटर विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ए जी एम तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली लिमिट था फर्स्ट सिक्सटी डेज में सी नेक्स्ट थर्टी डेज में बोर्ड एंड अगर उन्होंने भी अपॉइंट नहीं किया तो नेक्स्ट सिक्सटी डेज में शेयर होल्डर हाँ ऊपर ऊपर लिमिट था अगर मैं अगले वाले सेक्शन 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन सिक्स में जाऊं वहां पे लिमिट था थर्टी नाइंटी थर्टी डेज में बी ओ डी अगर बी ओ डी फेल शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट इन नेक्स्ट नाइन्टी डेज तो नॉर्मल कंपनी में थर्टी नाइन्टी गवर्नमेंट कंपनी में सिक्सटी थर्टी सिक्सटी फर्स्ट सिक्सटी डेज इज सी ए जी सी ए जी ने अपॉइंट नहीं किया नेक्स्ट थर्टी डेज इज बी ओ डी बी ओ डी ने भी अपॉइंट नहीं किया दे विल इन्फॉर्म द शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे सिक्सटी डेज में First auditor remains till the conclusion of first AGM. Okay, let us check the question. Let us check the question. First auditor of Health and Wealth Limited, a government company. First auditor of Health and Wealth Limited, a government company, was appointed by BOD. Answer is not valid. Q word hai government company. It should be appointed by CAG. अगर सी अगर जी फेल हो देन बीओडी कैन अपॉइंट अगर सी फेल हो देन इट कैन बी अपॉइंटेड बाय बी बट बीओडी ने अपॉइंट किया दैट्स नॉट वैलिड ओके ये था फर्स्ट ऑडिटर ये था फर्स्ट ऑडिटर 6 139 नाइन 7 अब जाते हैं सब ऑडिटर ये था फर्स्ट ऑडिटर नाव गो फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अगेन नॉर्मल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नॉर्मल कंपनी इज वन थर्टी नाइन सबसेक्शन फाइव लेट एस सी ओकेटर वॉज देर टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ए जी एम अब ये AGM जी एम आ गया नाउ ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय यार पहली बार शेयर होल्डर नहीं थे इसलिए पावर दिया था बीओडी को तो फर्स्ट ऑडिटर वाज अपॉइंटेड बाय बीओडी वो रहा फर्स्ट एजीएम तक फर्स्ट एजीएम में नाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर सी वर्ड्स एवरी कंपनी शेल मैंडेटरी एवरी कंपनी फर्स्ट एजीएम एवरी कंपनी फर्स्ट एजीएम अपॉइंट द ऑडिटर होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टू द कंक्लूजन ऑफ सिक्स एजीएम तो एट फर्स्ट एजीएम ऑडिटर हुड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स एजीएम तो आप अपॉइंट कर रहे हो एक साल के लिए नहीं पांच पांच साल के लिए फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टू द कंक्लूजन ऑफ सिक्स एजीएम एंड देर आफ्टर

अगर बीच में निकलना है सेक्शन 140 सर ऑडिटर को बीच में छोड़ना है रेजिग्नेशन अगेन सेक्शन 140 फोर्टी कल आएगा बट शेयर होल्डर्स आर अपॉइंटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव एजीएम नाउ मैंने आपको बोला शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे मैंने आपको बोला शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे बट आई टेल यू प्रैक्टिकली शेयर होल्डर सिर्फ थप्पा लगाते हैं दे जस्ट पुट अ तो दे विल जस्ट पुट अ स्ट ओके अप्रूव दे डोंट गो फॉर सर्चिंग और सिलेक्टिंग द ऑडिटर डोंट गो फॉर सर्चिंग द ऑडिटर ऑडिटर को सर्च करना हु इज द राइट पर्सन वो शेयर होल्डर नहीं करते इट्स नॉट लाइक मीटिंग है मैं बोलो मेरा दोस्त है वो बोले मेरा दोस्त है वो बोले मेरा दोस्त है नहीं दे जस्ट पुट अ स्टैम्प रिकमेंड किया होगा बी ओडी ने नाम उस पर वो मोहर लगाएंगे थप्पा लगाएंगे तो हु गोज फॉर सर्चिंग द ऑडिटर हु गोज फॉर सर्चिंग द ऑडिटर या सिलेक्टिंग द ऑडिटर तो उसके लिए द वर्ड लिखा है यहाँ पे कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉटल मी कोई भी सी ए को अपॉइंट करने के पहले वो डू चेक के भाई उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है क्या उसने ये बड़े बड़े ऑडिट्स किए हैं हमारी कंपनी जितने वो सब हम देखेंगे द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टेक्स इंटू कंसिडरेशन उसका क्वालिफिकेशन उसका एक्सपीरियंस

क्वायरमेंट ऑफ अवर कंपनी क्या हमारी कंपनी की साइज और रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है ना कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी किसको बोलेंगे ना कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी किसको बोलेंगे इफनी इज रिक्वायर्ड टू हैव ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन सेवन अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना है एज पर सेक्शन सेवन कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी इज ऑडिट कमेटी अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है अगर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है तो कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी इज बी तो हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स वेन अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी तो ऑडिट कमेटी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी तो बोर्ड तो अगर ऑडिट कमेटी आपको चाहिए नौ सर ये ऑडिट कमेटी क्या होता है सी कोई भी कमेटी हो कोई भी कमेटी हो कमेटी इज नथिंग बट इट्स मेड अप ऑफ फ्यू डायरेक्टर्स इमेजिन कंपनी में दस डायरेक्टर है आर डायरेक्टर्स डू 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 यू फील ऑल 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 विल विल या डिवाइड डिवाइड करेंगे करेंगे वेदर और सोचो सर डेफिनेटली डिवाइड करेंगे या इमेजिन दो डायरेक्टर सेल्स को हैंडल कर रहे हैं दो डायरेक्टर परचेज को हैंडल कर रहे हैं दो डायरेक्टर मार्केटिंग हैंडल कर रहे हैं दो डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फिनेंस हैंडल कर रहे हैं

तो अगर ऑडिट कमेटी है तो इट्स लाइक दिस अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रेकमेंड्स नेम टू बीओडी बीओडी रेकमेंड्स नेम टू शेयर होल्डर ऑडिट कमेटी रेकमेंड्स टू बीओडी बीओ टू शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर जस्ट पुट्स अ स्टैंप बट अगर ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड नहीं है अगर ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड नहीं है तो डायरेक्टली इट इज बीओडी टू शेयर होल्डर अगर ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड नहीं है यहां पे दिस इज ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड एंड दिस इज ऑडिट कमिटी नॉट रिक्वायर्ड अगर ऑडिट कमेटी इज रिक्वायर्ड ऑडिट कमिटी रिकमेंड्स टू बीओडी बीओडी रिकमेंड्स टू

ऑडिट कमिटी ने फिर से रेकमेंड किया सीएम फिर से आपने फिर से रेकमेंड किया सीएम बोर्ड में अगेन बोर्ड रिजेक्ट तो आपने पहले एक को रेकमेंड किया था हमने रिजेक्ट किया फिर से आप एक ओ ही रेकमेंड कर रहे हो तो भाई हम आपको अब नहीं पूछने वाले तो नाउ बोर्ड मे नॉट आस्ट टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड अपना खुद का रेकमेंडेशन शेयर होल्डर्स को दे सकती है कैन बोर्ड कब बोर्ड अपना खुद का रिकमेंडेशन दे सकती है जब ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया हमने रिजेक्ट किया ऑडिट कमेटी ने फिर से वही बंदे को रिकमेंड किया एक बार मैंने एक को रिजेक्ट किया फिर से आप मेरे को ये रिकमेंड कर रहे हो तो सेकेंड टाइम मैंने फिर से रिजेक्ट किया अब मैं आपको नहीं पूछूंगा ओके दिस इज ऑल गिवेन यहां पे चेक अच्छा प्लस जो भी ऑडिटर आप अपॉइंट करोगे उसके सामने क्या क्या लिटिगेशंस चल रहे हैं सी ऑडिटर के सामने भी बहुत सारे लिटिगेशंस होते हैं जैसे कोई कंपनी में फ्रॉड पकड़ा गया तो शेयर होल्डर्स ऑडिटर पे ही केस करेंगे पहले तो वी हैव टू सी द प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज ऑडिटर प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट जो प्रॉब्लम्स केसेस चल रहे अगेंस्ट ऑडिटर आईसीआई के सामने या कोर्ट के सामने प्लस हम उनके पास से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मंगवाएंगे देन ऑडिट कमिटी रिकमेंड्स टू बोर्ड इफ बोर्ड एग्रीज देन वो रिकमेंडेशन जाएगा मेंबर को मेंबर विल पुट अ स्टैम्प दे विल अपॉइंट सर अपॉइंट कैसे करेंगे बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शेयर होल्डर विल अपॉइंट द ऑडिटर बाय पासिंग विच रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी अपॉइंटिंग ऑडिटर इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉट स्पेशल ऑर्डिनरी माने सिंपल मेजोरिटी स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स थ्री फोर्थ मेजोरिटी या लॉ थोड़ा थोड़ा ओके इफ बोर्ड डिसग्रीज इफ बोर्ड वो बैक जाएगा टू ऑडिट कमेटी नए रेकमेंडेशन के लिए इफ ऑडिट कमेटी डिसाइड्स नॉट टू रिकंसिडर द ओरिजिनल रिकमेंडेशन नॉट टू रिकंसिडर द ओरिजिनल रिकमेंडेशन मीन्स दे कंटिन्यू विद द सेम रिकमेंडेशन कंटिन्यू विद द सेम रिकमेंडेशन एंड बोर्ड डिसग्री यार एक बार आपको ना बोला फिर से आपने उसी का नाम दिया तो वो अपना रीजन फॉर डिसग्रीमेंट लिखेगा एंड नाव बोर्ड विल सेंड इट्स ओन रेकमेंडेशन टू शेयर होल्डर बट अगर बोर्ड एग्री हो गया तो हमारा जो रिकमेंडेशन है वो जाएगा शेयर होल्डर को तो एक बार हमने मिस्टर ए के लिए ना बोली फिर से ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया सी ए मिस्टर ए तो बोर्ड अगर डिसएग्री हुआ फिर से दे विल रिकॉर्ड द रीजन एंड नाउ दे विल नॉट आस्ट द ऑडिट कमिटी दे मे कम आउट विद देयर ओन रिकमेंडेशन ओके दिस वॉज बेसिकली द प्रोसीजर नाउ ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब पहले क्या होता था ऑडिट कमिटी ने नाम रेकमेंड किया बीओडी को बीओडी ने रेकमेंड किया शेयर होल्डर को शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया फिर हम ऑडिटर को बोलते थे फिर हम ऑडिटर को बोलते थे कि सर आपको अपॉइंट किया है एंड देन द ऑडिटर वाज टेलिंग नहीं 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 मेरे पास तो लिमिट ऑलरेडी ख़त्म हो गई नहीं 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 मेरे लिमिट खत्म हो गई या फिर मुझे आपका ऑडिट नहीं चाहिए तो इमेजिन आपने पूरी प्रोसीजर की ऑडिट कमेटी टू बोर्ड बोर्ड टू शेयर होल्डर अपॉइंट हुआ शेयर होल्डर को एजीएम में देन द ऑडिटर से नहीं मैं ऑडिट नहीं ले सकता हूँ इससे अच्छा है ऑडिटर के पास से रिटर्न कंसेंट ले लो बिफोर अपॉइंटमेंट तो बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड दिस इज समथिंग न्यू इन दिस एक्ट पहले पुराने एक्ट में नहीं था बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड वी टेक अ वीकन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर वी टेक अ टेकन कंसेंट कि अगर उसको अपॉइंट किया ही इज रेडी टू टेक द अपॉइंटमेंट अगर उसको अपॉइंट किया इज रेडी टू टेक द अपॉइंटमेंट एंड एक सर्टिफिकेट भी लेना है एंड एक सर्टिफिकेट भी लेना है ऑडिटर के पास से सर्टिफिकेट में क्या होगा सर्टिफिकेट में क्या होगा रूल फोर कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल टू थाउजेंड फोर्टीन सी बहुत सारे रूल्स रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है टॉपिक वाइज रूल्स है Audit में जाओगे, so, just, बुक में है आईसीआई बुक में है यहां पे भी है रूल नंबर्स नॉट रिक्वायर्ड ओके तो बिफोर यू अपॉइंट ऑडिटर ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले एक उससे रिटर्न कंसेंट लेते हैं कि भाई उसको अपॉइंट करेंगे ही इज रेडी टू टेक द ऑडिट एंड सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट में चार चीजें सर्टिफिकेट में चार चीजें एक वो डिस्कालीफाइड नहीं है ऑडिटर होने के लिए टू अपॉइंटमेंट इज एज पर टर्म्स ऑफ द एक्ट अपॉइंटमेंट उसका एज पर टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट है थर्ड लिमिट जो है ना ट्वेंटी वाला वो वायलेट नहीं हुआ है

जो भी उसके अगेंस्ट कोई केसेस चल रहे हैं ही विल डिस्क्लोज इट इन द सर्टिफिकेट और वो उसको ट्रू एंड करेक्ट ना उस किसी ने पूछा सर ऑडिटर तो ऑलवेज ट्रू एंड फेयर बोलता है वी डोंट से ट्रू एंड करेक्ट बिकॉज हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं तो सर यहां पे क्यों ट्रू एंड करेक्ट यार वो ट्रू एंड फेयर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करने के लिए वेन वी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं है आपके सामने कितने केसेस चल रहे हैं यार मेरे को बताओ कि आपको वो भी नहीं मालूम कितने केस? शायद चार पांच केस ऐसा नहीं होता यार कितने केसेस चल रहे हैं आपके ऊपर यूर टू डिस्कलोज इट एंड सर्टिफाइड एज ट्रू एंड करेक्ट दिस इज नॉट अबाउट रिपोर्टिंग ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट दिस इज अबाउट हाउ मेनी लिटिगेशन आर गोइंग ऑन अगेंस्ट यू ओके तो बिफोर यू अपॉइंट ऑडिटर उसके पास से सर्टिफिकेट लो कि भाई ही इज रेडी टू टेक द अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स इट इज पर टर्म्स ऑफ द एक्ट एंड उसके लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन अगेंस्ट हिम एंड ही विल सर्टिफाइड एस ट्रू एंड करेक्ट तो बिफोर अपॉइंटिंग ये सर्टिफिकेट लिया होगा फिर फिर ऑडिट कमिटी रेकमेंड्स टू बोर्ड बोर्ड टू शेयर होल्डर शेयर होल्डर विल अपॉइंट बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आफ्टर अपॉइंटमेंट इज डन आफ्टर अपॉइंटमेंट इज डन क्या आर ओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन फिफ्टीन डेज बाई फाइलिंग फॉर्म ए डी टी वन ए डी टी इज ऑडिट का शॉर्ट फॉर्म ऑडिट ऑडिटर का शॉर्ट फॉर्म तो कंपनी है कंपनी शेल इन्फॉर्म देल एज एंड फाइल असर इन फॉर्म ए डी टी वन विद इन डे तो फिफ्टीन डेज के अंदर हम आर ओसी को इनफॉर्म करेंगे ऑडिटर जिसको अपॉइंट किया उसको भी लेटर भेजेंगे सर वी अपॉइंटेड यू प्लस आर ओसी को विम नंबर ए डी टी वन दिस वॉज योर एंटायर प्रोसीजर दिस वॉज द एंटायर प्रोसीजर तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर डू नॉट गो फॉर सिलेक्टिंग और सर्चिंग द ऑडिटर वो सिर्फ स्टैम्प मारते हैं selecting या सर्चिंग वो कौन करेगा ऑडिट कमेटी है ऑडिट कमेटी नहीं है बोर्ड विल डायरेक्टली रेकमेंड टू शेयर होल्डर एंड बिफोर यू अपॉइंट ऑडिटर उसके पास एक रिटर्न लेना है प्लस उसके पास एक सर्टिफिकेट लेना है कंटेनिंग फोर थिंग्स ओके सर्टिफिकेट ले लिया है

रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कमिटी सेक्शन 177, किस किस कंपनीज को ऑडिट कमिटी चाहिए इन एडिशन टू लिस्टेड कंपनी क्लियरली लिखा है इन एडिशन टू को मैंडेटरी प्लस ये लिमिट्स है listed को mandatory plus limits. Listed mandatory, दूसरे में लिमिट्स तो डोंट सी द लिमिट्स फॉर लिस्टेड लिमिट मत देखना दूसरों के लिए लिमिट्स है इन एडिशन टू लिस्टेड फॉलोइंग ऑल पब्लिक कंपनीज और मोर पब्लिक कंपनीज है मोर पब्लिक कंपनीज है टर्न ओवर हंड्रेड करोड़ और मोर पब्लिक कंपनीज पब्लिक कंपनीज

All public company having a paid up capital of 10 crores or more, all public company having a turnover of hundred crores or more. all public company having loans borrowing debentures or deposits from public exceeding fifty crore. Now check karo word pe likha tha, public company public company public company. This iska meaning audit committee is not required for private companies. I just write audit committee.

टर्न ओवर हंड्रेड क्रोर्स और अनलिस्टेड पब्लिक है लिमिट कब का देखना है प्रिसीडिंग द लास्ट ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट इट्स क्लियरली गिवन कब का लिमिट चेक करो इट शुड बी एज पर द लास्ट ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट तो लास्ट ऑडिटेड फल स्टेटमेंट चेक करो अगर लास्ट टाइम आपके लिमिट्स क्रॉस हो गए तो इस साल ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड तो सर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में ऑडिट कमेटी विल नेवर बी रिक्वायर्ड फर्स्ट ईयर में ऑडिट कमेटी विल नेवर बी रिक्वायर्ड फर्स्ट ईयर में लिमिट क्रॉस तो सेकेंड ईयर से ऑडिट कमेटी कैन बी रिक्वायर्ड ओके दिस वॉज योर ऑडिट कमेटी सी क्वेश्चन नंबर थर्टी

गैप बिटवीन टू ए जी एम शुड नॉट एक्सीड फिफ्टीन मंथस एक कैलेंडर ईयर में एक ए जी एम होना चाहिए हाँ होना चाहिए अगर कंपनी नहीं रख रही है कंपनी विल हैव पेनल्टीज आप चिंता मत करो इफ कंपनी विल हैव पेनल्टीज ना क्वेश्चन व्हाट शुड ऑडिटर डू अगर सिक्स एजीएम नहीं हुआ यू आर अपॉइंटेड फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ए जी एम टू द कंक्लूजन ऑफ सिक्स ए जी एम अगर सिक्स ए जी एम नहीं होल्ड करते तो वॉट शुड आई डू जो लास्ट डेट ऑन विच ए जी एम शुड बी हेल्ड क्या मैं तब तक रहूंगा या उसके बाद भी लास्ट डेट ऑन विच ए जी एम शुड बी हेल्ड शुड वुड आई रिमेन टिल दैट डेट और टिल द एजीएम सी यू आर अपॉइंटेड फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ए जी एम टू दंक्लूजन ऑफ सिक्स अगर नहीं हुआ यू विल कंटिन्यू टिल द दिक्कत एजीएम यू विल कंटिन्यू टिल द इज हेल्ड एंड कंक्लूडेड तो आंसर इस नीनू विल कंटिन्यू नीनू विल कंटिव टील दिक्कत ए जी एम इज हेल्ड एंड कंक्लूडेड कंपनी अपॉइंट नहीं कर रहा कंपनी को पेनल्टी लगेगी यू विल बी टिल इज सिक्स एंड कंक्लूडेड ओके दिस इज योर इलेट्रेशन नंबर थर्टी फाइव ये था सबसीक्वेंट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी ये था सबसीक्वेंट ऑडिटर फॉर नॉर्मल कंपनी अब जाते हैं सबसीक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी चलो 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 सबसीक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी ओके सबसीक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी में सबसीक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा सी एजी विद इन डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड ही विल होल्ड टिल द कंक्लूजन ऑफ ए जी एम विद इन एटी डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड ही होल्ड द द ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ एजीएम कौन सा नेक्स्ट भी नहीं बोला फिफ्थ भी या सिक्स भी नहीं बोला तो एज पर द ऑर्डर ऑफ सी द वर्ड नेक्स्ट भी नहीं लिखा है कितने एजीएम ही विल कंटिन्यू टिल द कंक्लूजन ऑफ विच एजीएम तो एजीएम इज नॉट रिटर्न तो इट विल बी एज पर ऑर्डर ऑफ सी ही विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ कौन सा एजीएम Next AGM, 6th AGM, 3rd AGM, Konsa. I have seen letters of CAG appointing auditor for 1 year also. I have seen letters of CAG appointing auditor for 3 years also. So, as per the order of CAG, he will be there. He will be there till the conclusion of AGM. Don't write 6th. Don't write next. They are not telling anything. Keep it like this. As per the order of CAG. ओके दिस वॉज योर वन थर्टी सबसेक्वेंट ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी तो वन थर्टी था फर्स्ट ऑडिटर वन थर्टी फाइव है सब सीक्वेंट ऑडिटर वन थर्टी सिक्स एंड सेवन सिक्स एंड सेवन था फर्स्ट ऑडिटर वन एंड फाइव इज सब सीक्वेंट ऑडिटर ओके लेटस सी द क्वेश्चन लिमिटेड इज अब्सिडरी ऑफ अजंता लिमिटेड Nixon is a subsidiary of Ajanta. Whose? Ajanta ke andar. Ajanta ke andar. 20% held by CG, 25% by UP government, 10% by MP government. Okay, so Ajanta ke andar. 20% CG, 25% UP, 10% by MP government. Total 55%. Total 55% is held by go uh, government in Ajanta Limited. सीजी और एस जी होल्ड फिफ्टी फाइव अजंता लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ अजंता गवर्नमेंट कंपनी है आप उसकी सब्सिडरी यू आर ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी स्टैच्यूटरी ऑडिटर खुद ने अपॉइंट किया खुद ने मीन शेयर होल्डर

ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाई सी नॉट बाय शेयर होल्डर दिस वाज योर 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन वन एंड फाइव सबसीक्वेंट ऑडिटर अब जाते हैं कैजुअल वेकेंसी अब जाते हैं कैजुअल वेकेंसी 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन एट ये वर्ड आया था यस्ट ये वर्ड आया था यस्टडे सर कहां पे आया था कहां पे आया था लेटर इफ यू बिकम डिस्कालीफाइड यू आर डीम्ड टू हैव वेकेटेड द प्लेस ऑफ ऑफिस एज एन ऑडिटर और उसको हम बोलेंगे कैजुअल वेकेंसी आ गया कैजुअल वेकेंसी ओके अस मूव ऑन टू द कैजुअल वेकेंसी कीप योरसेल्फ एक्टिव, पेन पेंसिल लॉट्स ऑफ वाटर, कीप स्माइलिंग

या वो डिसक्वालीफाई हो गया या वो भगवान को प्यारा हो गया तो ऑडिटर वॉज वैलिडली अपॉइंटेड टेन योर इज गोइंग ऑन इन बिटवीन द ऑडिटर इज़ गॉन वी रिमूव हिम या वो रिज़ाइन कर रहा है या फिर या फिर अगर वो डिसक्वालीफाई हो गया या वो एक्सपायर हो गया एनी रीज़न अपॉइंटेड हो गया था लेटर ही इज़ गॉन ड्यूरिंग द टेन योर इज़ गोइंग ऑन जस्ट चेक नीचे नीचे एक डेफिनेशन है नीचे डेफिनेशन है तो कैजुअल वेकेंसी इज नॉट डिफाइन इन एक्ट तो व्हाट इज अ कैजुअल कैजुअल तो अजुअल इज क्रिएटेड बाय ऑडिटर सीजिंग टू एक्ट आफ्टर ही वाज वैलिडली अपॉइंटेड तो इट इज अ असी क्रिएटेड बाय ऑडिटर सीजिंग टू एक्ट आफ्टर ही वाज वैलिडली अपॉइंटेड एंड द अपॉइंटमेंट वॉज एक्सेप्टेड वैलिडली अपॉइंट हुआ था टेन्योर यूर वॉज गोइंग ऑन एंड ही गोज अवे इन बिटवीन वो रिटायर हो गया या वो रिजाइन कर रहा है या डिसक्सपाय उसको कैजुअल वेकेंसी गॉन डू यू थिंक दैट शुड वी कॉल जस्ट टू अपॉइंट ऑडिटर शुड वी कॉल ईजीएम जस्ट टू अपॉइंट ऑडिटर नहीं ईजीएम नहीं बुलाना चाहिए तो सर पावर किसको देंगे बोर्ड को करेक्ट so for a company other than com other government company, for a company other than government company, casual vacancy is filled by board within 30 days. if it is a company other than a government company, it is filled by bod within 30 days. but if it is due to resignation, see, auditor resign hona is a very big matter. ऑडिटर रिजाइनिंग इज़ अ वेरी बिग मैटर मोस्ट ऑफ द टाइम वे रिजाइन बिकॉज कंपनीज में बहुत सारी इश्यूज़ हैं बहुत सारे फ्रॉड्स हैं हमें कंटिन्यू नहीं करना है इसलिए वे रिज़ाइन है ना कई बार दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं जेन्यून रीज़न भी हो सकता है मैं मेरे को एक बड़ा ऑडिट मिला इसलिए मैं छोटी कंपनी से रिजाइन कर रहा हूँ मेरे को बड़ा ऑडिट मिला इसलिए मैं छोटी कंपनी से रिजाइन कर रहा हूं बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ ड्यू टू सम इश्यूज़ इन द कंपनी ऑडिटर भी लायबल है आई डोंट वॉन्ट टू टेक जब भी ऑडिटर रिजाइन होगा ना इट्स अ वेरी बिग मैटर मानेक ऑडिटर उसके शेयर प्राइस फोर फिफ्टी रुपीज डेल नॉइट रिजाइन एज अ ऑडिटर स्टेटिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है यू ओंट बिलीव फोर फिफ्टी से विद इन अ वीक शेयर प्राइज हो गया हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर फिफ्टी से शेयर प्राइज बिकेम वन फिफ्टी तो क्या सर ऑडिटर रिजाइन करते हैं करते हैं बट हाँ रिजिग्नेशन इज ऑलवेज अ बिग मैटर अगर रिजाइन हुआ है इफ़ ऑडिटर इज रिजाइन देन वो कैजुअल वेकेंसी है सडनली ये ऑडिटर चला गया बट दैट विल नॉट बी फिल्ड बाय बी ओ डी ड करेगा नेम द शेयर होल्डर्स अपॉइंट विद इन थ्री मंथस ऑफ रेकमेंडेशन ऑफ बी ओडी तो बीओमेंड बीओमेंड विद इन थर्टी डेज शेयर होल्डर्स शेल अपॉइंट विद इन थ्री मंथस ऑफ रेकमेंडेशन ऑफ बी ओडी अगर कैजुअल वेकेंसी इज एज रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन तो अपॉइंटमेंट शेल बी अप्रूव्ड बाय अ कंपनी विद इन थ्री ऑफ रेकमेंडेशन ऑफ बोर्ड इट इज बाय बाय बोर्ड बोर्ड इट इज बट अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर विद इन मंथ्स अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर विद इन थ्री मंथ्स ऑफ ऑफ बोर्ड अपॉइंटमेंट इज नॉट डन बाय बोर्ड रेकमेंडेशन बाय बोर्ड अपॉइंटमेंट इज डन बाय शेयर होल्डर्स ओके दिस इज फॉर अ नॉर्मल कंपनी तो फॉर अ नॉर्मल कंपनी ऑडिटर फॉर एन नॉर्मल कंपनी ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा तो फॉरन नॉर्मल कंपनी कैजुअल वेकेंसी में कैजुअल वेकेंसी इज फिल्ड बाई बी ओडी विद इन थर्टी डेज बट अगर ड्यू टू रेजिग्नेशन है तो शेयर होल्डर शुड नो क्या है वाई ऑडिटर रिजाइन इसलिए न्यू ऑडिटर नॉट बाय बीओडी बीओडी विल रेकमेंड शेयर होल्डर विल अपॉइंट विद इन थ्री मंथस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बी ओडी अगर गवर्नमेंट कंपनी अगर इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी इट विल बी फिल्ड बाय CAG विद इन थर्टी डेज CAG फिल नहीं करता बोर्ड इन थर्टी डेज सी फिल नहीं करता बोर्ड थर्टी डेज नो क्वेश्चन अपॉइंट नहीं करे थर्टी डेज में तो CAG 30 डेज सी एस बोर्ड इन नेक्स्ट 30 डेज सर वॉट इफ बोर्ड ऑल्सो फेल सर पावर गोज टू शेयर होल्डर लिखा है कहीं पे लिखा है कहीं पे नहीं तो डोंट टेक द पावर टू शेयर होल्डर तो इफ थर्टी डेज में बोर्ड भी अपॉइंट नहीं करते तो क्या बोर्ड ओनली आर अपॉइंटिंग लेटनी थर्टी डेज में नहीं करता बोर्ड ओनलीट कंपनी ओके ना क्वेश्चन ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिलजुअल डज नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल कैजल वेकेंसी नॉट कंप्लीट ओनली तो ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल द कैजेंसी जो कैजुअल वेकेंसी हुआ उसको फिल करने के लिए किसी को अपॉइंट किया बट इट डॉइंटमेंट इज नॉट कंप्लीट कैजुअल वेकेंसी कंटिन्यूज सर अगर कैजुअल वेकेंसी कंटिन्यू हुआ तो क्या एक्स्ट्रा थर्टी डेज मिलेंगे नो तो अगर ऑडिटर से वन ऑडिटर बेसिकली एक्सपायर्ड रेजिग्नेशन नहीं है एक्सपायर्ड तो 20 डेज में बीओडी ने किसी और को अपॉइंट किया 30 में हो सकता है उन्होंने 20 में किया बट उसने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं की तो अब वी नीड अनदर ऑडिटर तो डू वी गेट एक्स्ट्रा 30 डेज नो no. 10 डेज बाकी बचे उसी में अपॉइंट करो अगर लेट करोगे देर विल बी पेनल्टीज अगर लेट करोगे देर विल बी पेनल्टीज तो वेन ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल अप द कैजुअल वेकेंसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट वैन ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल अप द कैजुअल वेकेंसी रिफ्यूज इज टू एक्सेप्टीट अपॉइंटमेंट इज नॉट कंप्लीट, इट इज डीम दैट द कैजल वेकेंसी कंटिन्यूज और वो फिले नहीं हुआ है फिले नहीं हुआ है अब फिल करो फिर से किसी को अपॉइंट करो सर एक्स्ट्रा थर्टी डेज नहीं जितना रिमेनिंग बचा उतना लेट करोगे यूल हैव पेनल्टीज

क्वेश्चन इज इट अ कैजुअल वेकेंसी हमने अपॉइंट किया था ए बी एन कंपनी को ए बी एन कंपनी तो रहा ही नहीं वी अपॉइंटेड ए बी एन कंपनी अब ए बी एन कंपनी नहीं रहा वो हो, हो गया ए बी सी एन कंपनी यार सब्सटेंस वाइज ए बी सी एन कंपनी इज सेम एज ए बी एन कंपनी सी द सब्सटेंस नाम मत देखो तो इफ देर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन अ सी ए फॉर्म इफ देर इज ए री कॉन्स्टिट्यूशन इन सी एफ एम कोई सी एफ एम में एक आध पार्टनर एड हुआ एक आध पार्टनर रिटायर हुआ इट विल नॉट बी अजुअल इन सी एफ एम इ कैजुअल वेकेंसी बट इफ देर इज अ टोटल रिकॉन्स्टिट्यूशन ए बी एन कंपनी था ए बी एन कंपनी ए एन बी पार्टनर थे अनफॉर्चुनेटली ए एन बी वीनियर सिटीजन उनको अब बस आराम करना था સીનિર સિટીઝન બટા ફર્મ બહુ ફેમસ હે તો એન બી રિટાયર હોગ ફર્મ બેચી એક્સ એન વાય કોઈ નામ એ બી એન કંપની બટ અબ પાર્ટનર્સ વાય નામ એ બી એન કંપની બટ અપ પાર્ટનર્સ હૈ વાય પહેલેોટલ રી કૉીટ્યુશન એક બી પાર્ટનર કોમન નહીં एक भी पार्टनर कॉमन है तो इट इज नॉट अ कैजुअल वेकेंसी बट अगर वो टोटल रिकॉन्स्टिट्यूशन सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गए सारे नए पार्टनर्स आए देन इट इज अ कैजुअल वेकेंसी अदर देन रेजिग्नेशन देन इट्स अ कैजुअल वेकेंसी अदर देन रेजिग्नेशन जो बीओडी फिल करेगा तो एनी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म ड्यू टू एडमिशन रिटायरमेंट डेथ विल नॉट अफेक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अगर उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है एडमिशन रिटर्मेंडेड नो प्रॉब्लम इट विल नॉट अफेक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हावे वेन टोटल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म हावे वेन द इज अ टोटल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर एंड न्यू पार्टनर आए तो सच रिकॉन्स्टिट्यूशन वुड बी रिजल्टिंग इन अ कैजुअल वेकेंसी अदर देन रेजिग्नेशन विच विल बी फिल्ड बाय बी रेजिग्नेशन resignation. Resignation वाला होता तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए यहां पर तो था ए बी एन कंपनी अब वो लोग सी को एड कर रहे हैं अब वो हो गया ए बी सी एन कंपनी मैंने अपॉइंट किया ए बी एन कंपनी ए बी एन कंपनी तो रहा ही नहीं यार ए बी सी एन कंपनी सेम एज एन कंपनी इट्स नॉट अ कैजुअल वेकेंसी अनोटल रिकॉन्स्टिट्यूशन सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गए एंड सारे न्यू पार्टनर आए तब भी, भी. मतलब ओनली एट दैट टाइम वो बोलेंगे कैजुअल वेकेंसी अदर देन रेजिग्नेशन ओके अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन अस मूव ऑन टू क्वेश्चन लास्ट टेन फिफ्टीन मिनट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन बालू एन वैद्य बालू एन वैद्य आर कैरिंग ऑन प्रोफेशन ऑफ सीए एंडर द नेम ऑफ मेसर्स बीवीएन तो बालू एंड वेद्य दो पार्टनर अब नाम हो गया बीवी कंपनी पहले था बीवीएन कंपनी अब हो गया बीवीआरएन कंपनी पहले था बीवीएन कंपनी अब बीवीआर इज इट अ रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन इज इट अजुअल वेकेंसी नहीं बीवीआर इज एक्चुअली सेम एज बीवी सी दबस्टेंस ड्यू टू चेंज इन नेम इट इज कंटेंडेड बाय द कंपनी एक्स लिमिटेड दट ओल्ड फॉर्म सीज टू बी एडिटर तो कंपनी बोल रही है ओल्ड फॉर्म चला गया ये हो गया कैजुअल वेकेंसी तो आंसर इज कंटेंशन ऑफ कंपनी इज नॉट वैलिट कंटेंशन ऑफ कंपनी इज नॉट वैलिट unless there is a total reconstitution, it is not a casual vacancy. the contention of company is not valid. next, 39th, sorry, 38th. messrs. young & company. messrs. young & company, a chartered accountant firm and statutory auditor of old limited is dissolved. see, con dissolved. Hai?

ओके कब ये हुआ डिजोल्ड को कब अपॉइंट किया सिक्स फोर आ वैलिड बी ओडी ऑन सिक्स फोर अपॉइंटेड न्यू फर्म शार्प एंड कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर नाउ अपॉइंटमेंट बाय बी ओडी वैलिड विद इन थर्टी डेज वैलिड बट फॉर वन ईयर इज नॉट वैलिड कैजुअल वेकेंसी ऑडिटर जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ कैजुअल वेकेंसी में ही विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट ए जी एम आई थिंक इसको हमने मार्क नहीं किया था लेट एस डू इट द ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम द द ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट एजीएम एजीएम आएगा फिर से शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे फाइव फाइव एजीएम के लिए एजीएम आएगा देन अगेन शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट फॉर द नेक्स्ट फाइव फाइव ए ओके तो यहां पे i just write appointment by bod is valid but for one year is not valid so bod is not but for one year imagine इमेजिन कैजुअल वेकेंसी हुई फेब्रुवरी में कैजुअल वेकेंसी हुई फेब्रुवरी में बीओडी ने विदिन थर्टी डेज अपॉइंट किया या yeah, ये क्वेश्चन में अप्रैल में एजीएम आएगा जुलाई ऑगस्ट में एजीएम विल कम इन जुलाई ऑगस्ट वो ही विल बी देयर फ्रॉम सिक्स ऑफ एप्रिल टू जून जुलाई या जुलाई ऑगस्ट नॉट वन ईयर बटा वो अपॉइंटमेंट पीरियड ऑडिट क्या करेगा ऑडिट करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑडिट क्या करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ओके दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी नाइन ए वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ डबल एस लिमिटेड बाय बोर्ड टू फिल द कैजुअल ट अरोज ड्यू टू डेथ ऑफ ऑडिटर ओरिजिनली अपॉइंटेड इन ए जी एम तो एक कोई ऑडिटर ए जी एम में अपॉइंट हुआ था उसकी डेथ हुई एक कोई ऑडिटर ए जी एम में अपॉइंट हुआ था उसकी डेथ हुई और बोर्ड ने अपॉइंट किया मिस्टर ए को हाँ डेथ इज नॉट अ रेजिग्नेशन डेथ इज नॉट अ रेजिग्नेशन तो बोर्ड ने अपॉइंट किया मिस्टर ए को वैलिड सब्सिक्वेंटली बोर्ड ने अपॉइंट किया था a को सब्सिक्वेंटली एल्सो रिजाइंड ए रिजाइंड वर्ड क्लियर लिखा a also resigned on health ground. जो भी reason है बोर्ड रेजोल्यूशन अब बोर्ड ने आपको अपॉइंट किया पहले ओरिजिनल ऑडिटर एक्सपायर हुआ बोर्ड ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया मिस्टर ए रिजाइन किया अब बोर्ड आपको अपॉइंट कर रहा है Answer is not valid as it is due to resignation. As it is due to resignation, it should be approved by shareholder. Within three months of recommendation of BOD, so BOD can't appoint. They can recommend my name, and then the shareholder have to appoint me within a period of three months. So as Mr. A has resigned, such appointment shall be approved by company at a general meeting within three months of recommendation of BOD. दिस वॉज योर कैजुअल कैजुअल वेकेंसी नॉर्मल कंपनी कौन फिल करेगा नॉर्मल कंपनी कैजुअल वेकेंसी इज फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन थर्टी डेज बट अगर ड्यू टू रेजिग्नेशन है बोर्ड रिकमेंड करेगा शेयर होल्डर विल अप्रूव शेयर होल्डर विल अप्रूव विद इन थ्री मंथस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बीओटी अगर गवर्नमेंट कंपनी थर्टी डेज में सी ए जी क्स्ट थर्टी डेज में बी ओडी एंड फर्स्ट कैजेंसी ऑडिटर विल रिमेन टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम थर्टी नाइन टेन दो छोटे छोटे ले लेते हैं फोर कल स्टार्ट करेंगे ऑडिटर वन थर्टी नाइन नाइन दिस इज वेन कैन वी Reappoint the same auditor. When? When can we reappoint the same auditor? One thirty nine two three four is how many times we can reappoint? One thirty nine nine is when can I reappoint the same auditor? One thirty nine two three four how many times I can reappoint? One thirty nine two three four कलाएँगे abhi dekh when can we reappoint the same auditor? बहुत ही सिंपल है वेन कब उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं तो ऐट द टाइम ऑफ री अपॉइंटमेंट ही शुड नॉट बी डिस्कालीफाइड एट द टाइम ऑफ री अपॉइंटमेंट ही शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड फॉर री अपॉइंटमेंट टू ही शुड नॉट हैव गिवन अ नोटिस इन राइटिंग ही शुड नॉट हैव गिवन अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ इज अनविलिंगनेस टू बी री अपॉइंटेड अगर आपको किसी ने नोटिस दी है कि भैया प्लीज डोंट रीअपॉइंट मी तो आप नहीं कर सकते हो अगर आपको ऐसा नोटिस नहीं मिला तो ही रीअपॉइंट कर सकते हो तो वन ही नॉट नॉट ही हैज गिवन अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ इज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड एंड थर्ड वन रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग समवन एल्स रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग सम

तो इसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है देन यू कैन रीअपॉइंट तो रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ट तो रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ट कौन सा रेजोल्यूशन और यूज नॉट गिवन अ नोटिस कौन सा रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर और एक्सप्रेसली स्टेटिंग ही शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड The resolution appointing someone else or resolution telling not to reappoint him has not been passed. So, when can I reappoint the same auditor? Three simple conditions. One, at the time of reappointment, he should not be disqualified. He has not given a notice in writing of his unwillingness to be reappointed. And a resolution appointing someone else.

अगर सिक्स एजीएम होती नहीं है इफ इज़ इज़ नॉट हेल्ड, हेल्ड जो पहला ऑडिटर है, ही है, ही ही विल कंटिन्यू टिल द एंड कंक्लूडेड। अगर AGM हुआ नहीं तो एग्जिस्टिंग आपको रीअपॉइंट नहीं किया किसी और को भी अपॉइंट नहीं किया सिक्स थे जी एम इज हेल्ड सिक्स एजी एम इज ओवर सिक्स एजी एम इज हेल्ड अगर सिक्स एजी एम इज नॉट हेल्ड ओनली यू विल कंटिन्यू टिल सिक्स एजी एम इज हेल्ड एंड कंक्लूडेड वो नीनू वाला एग्जाम्पल तो यू विल कंटिन्यू टिल द सिक्स एजियम इज हेल्ड एंड कंक्लूडेड बट अगर सिक्स एजीएम हो गया सिक्स थे जी एम हैप्ड सिक्स एजियम इज ओवर सिक्स एजी एम इज है देट डिड नॉट रीअपॉइंट यू डिड नॉट अपॉइंट एनी वन एल्स ऑल्सो आपको भी अपॉइंट नहीं किया किसी और को भी अपॉइंट नहीं किया यू कंटिन्यू यू कंटिन्यू सर कब तक कब तक नाउ एक्ट इज एक्चुअली साइलेंट तो इंटरप्रिटेशन विल बी यू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट टर्म पूरा टर्म नेक्स्ट फाइव इन यू कंटिन्यू तो वेन नो ऑडिटर्स वेन नो ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट एज

sixth AGM hua, sixth AGM is over, they don't reappoint you, they don't appoint anyone else, you continue to be the auditor, now six to eleventh, next pure term ke liye, it's a automatic reappointment. Company ko appoint karna tha, nahi karenge, wo, they will have penalties. They will have penalties, you will be kind of automatically reappointed. This is your section 139, subsection 10. Aaj rakhte hain, yahan tak, next session will start with

तो मेक श्योर यू आर प्रिपेरिंग इन अ मैनर दट आईसीआई डजेंट मेक यू क्राई आपको रोना है रो बट यू शुड नॉट अलाउ एनीन एल्स टू मेक यू ओके सी यू ऑल टूमोरो टाटा बबाई टेक केयर स्टडी वेल